ये सारे कॉम्प्लेक्सेस टूट गए और ये आ गए मोनोमर फॉर्म में। अब ये जो मोनोमर फॉर्म है इसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है खाने का? सारा खेल जानते हो क्या हो रहा है, इस इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड वेसल्स ऐसे गुजरती हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में इस तरीके से बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन यहां से यहां होगा, यानी इस ल्यूमेन से इस ब्लड में जाएगा। और ब्लड से जाने का मतलब बॉडी में इंडिविजुअल सेल होती हैं। सेल किस फॉर्म में? हमारे बॉडी में कोई भी जो सेल है ना वो मीन टिश्यू के फॉर्म में है। इसको जरूरत होती है, इस इंडिविजुअल सेल को जरूरत होती है फूड की। फूड न बोल के, कॉम्प्लेक्स फॉर्म न बोल के हम बोले न्यूट्रिएंट की। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखो क्या है कि ये जो सेल है ना, एक सेल को मैं इसमें से निकाल बना रहा हूँ, जो एक सेल होती है इसके चारों तरफ होता है मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन से कोई भी फूड अंदर नहीं जा सकता, जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना ये अंदर नहीं जा सकता। आपको मैंने मेम्ब्रेन के सेल वाले चैप्टर में बताया है कि कैसे उसमें चैनल प्रोटीन होती हैं, ठीक है, और वो किस तरीके से सेलेक्टिव परमीबल मेम्ब्रेन है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल अंदर नहीं जा सकता, जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोनोमर, ठीक है, मोनोमर साल्ट और वाटर। तो यही चीज़ें तो खाने में डाइजेशन के बाद बची थी ना, ये चीज़ें यहाँ जा सकती हैं। जब ये अंदर जाएंगी तो ये यूटिलाइज होंगी और ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, और जो एनर्जी है वही लाइफ है, वही लिविंग कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो है मोनोमर में इसलिए कन्वर्ट करके इसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ भी जो एब्जॉर्प्शन होगा ना, तो यहाँ जो इसकी ये जो वाल है, ये वाल खुद ही सेल से बना है, ये भी सेल से बना है, तो इसे भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। तो मेम्ब्रेन को बार बार कौन क्रॉस कर सकता? मोनोमर। इसी वजह से सारे पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। अगर ये मोनोमर में कन्वर्ट ना हो, उससे बड़ा रह जाए, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि खाने का डाइजेशन हुआ है बट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको डायरिया होने लगती है, सारा खाना बाहर निकलने लगता है, उसी को हम डायरिया बोलते हैं। डाइजेशन हुआ बट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ, या एक आध फैक्टर और है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ पाए, एब्जॉर्प्शन का क्या रोल है। एब्जॉर्प्शन का रोल है कि अल्टीमेटली जो न्यूट्रिएंट हैं, जो खाने में न्यूट्रिएंट थे, उनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मोनोमर फॉर्म है, जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, उनको ब्लड स्ट्रीम में ले जाना। थ्रू द ब्लड स्ट्रीम उनको कैरीड आउट करना कहाँ तक? अल्टीमेट गोल है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टिश्यू लगे हुए हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं वो ब्लड में जा रहा, तो पैर के अंगूठे की जो सेल है उसको भी तो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। ये कान के अंदर जो सेल लगी है उसको भी कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट कैसे पहुंच रहे हैं? थ्रू द फ्रूट। और फूड से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं जा सकते, तो उनका डाइजेशन होना ज़रूरी है। इसलिए हम लगातार हमें नीड होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल पल रहे हैं, वो लगातार डिमांड कर रहे हैं। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी बहुत जगह टीवी वगैरह में, चिड़िया के बच्चे होते हैं छोटे ना ऐसे, और वो जो है जब चिड़िया खाना लेके आती है या नहीं आती, तो वो ऐसे मुंह खोल के चों चों चिल्लाते रहते हैं, वो खाने के लिए एकदम परेशान रहते हैं, और चिड़िया जितना ला के उनके मुंह में भरती जाती है वो खाते जाते हैं। और चिड़िया दिन भर इसीलिए घूम घूम के यहाँ वहाँ से कीड़े ढूंढती रहती है
उसके जो बच्चे हैं घोंसले में उन्हें लगातार भूख लगी रहती है। बिल्कुल ऐसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, और ये जो सेल हैं ये हर सेल मेटाबॉलिज्म कर रही है, तो हर सेल में एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो चिड़िया के बच्चों के लिए इस तरह कंटिन्यूसली वो जो है डिमांड करते रहते हैं बॉडी से, खाना दो खाना दो खाना दो। और वो खाना हमें कैसे मिलेगा, वो न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, तो उस न्यूट्रिएंट का वो जब खोजने के लिए हमारी बॉडी नेचर में जाती है तो उसे कॉम्प्लेक्स फार्म में मिलता है, स्टार्च प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड। उसे दे नहीं सकते तो उसको क्या किया जाता है, उसको सिंपलेस्ट फार्म में कन्वर्ट करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सारी सेल को, हर जो सेल आपकी बॉडी में लगी है उनको कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है। अगर ये न्यूट्रिएंट सप्लाई बंद हो जाए तो आपकी सेल की लिविंग कंडीशन बंद हो जाएगी। तो लिविंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई कंटिन्यूअस बेसिस पे लगातार मिलती रहे। ठीक है, ये जस्ट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, क्योंकि आपके पास देखो अब आपको पढ़ने दो हैं जो सेंट्रल आपका एक्चुअल में क्या मेथड है टीचिंग का। देखो जनरली लोग अभी तक मैंने कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम नहीं बनाया, वो आपको पता भी होता है, मेरे बनाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, किसको नहीं आता। छठवीं क्लास से आठवीं क्लास से सबसे पहला जो टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनाना आता वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही आता, उसे बना के कोई बेनिफिट नहीं है। अब 10+2 में जब आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसा थोड़े आएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम लेबल इट नीट क्लीन डायग्राम और आपको 5 नंबर मिलेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। यहाँ कोई सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है, तो हमें हर चीज़ का जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, उसका मकसद क्या, उसका रोल क्या है। जब रोल जानोगे तब आपसे एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है, वो आपको बहका नहीं पाएगा। ठीक है, वो कैसे भी पूछना चाहेगा, चीज़ें तो सिंपल ही है ना, पूछना तो डाइजेशन ही है लेकिन उसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो अगर हर एस्पेक्ट को आप समझ रहे होगे तो वो कितना भी आपको घुमा फिरा के बताना चाहेंगे आप जो है कर पाओगे। ठीक है, तो ये अप्रोच है। फिलहाल आपको जो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता था चैप्टर के टॉपिक से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो समझ पाए। डाइजेशन एक मैकेनिकल फिजिको केमिकल प्रोसेस है जो एक्चुअल में हाइड्रोलिसिस है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, जो मल्टी स्टेप की प्रोसेस होती है और उसमें जो है मोनोमर्स बनते हैं, अल्टीमेट गोल उसका वही होता है कि मोनोमर का फॉर्मेशन करना। एब्जॉर्प्शन हमेशा मोनोमर फॉर्म का होता है क्योंकि इसे मेम्ब्रेन से जाना होता है और मेम्ब्रेन का इनबिल्ट फीचर होता है कि उससे सिर्फ मोनोमर ही पास हो सकता है। अब इसका जो एक सेकेंड स्टेप है ना वो थोड़ा मैं आपको समझाऊँ, ये थोड़ा लेक्चर को स्टैंडर्ड रख रहा हूँ मैं, ताकि अगर आप नीट एम्स किसी भी एम्स का होने का मतलब क्या है, एम्स को होने का मतलब ये है कि आप जो है हाईएस्ट रैंकिंग अगर लाएंगे नीट में तो आप एम्स में पहुंच पाएंगे। पहले एसेसन रीजन का भी चक्कर था, अब तो वो सब भी हट गया है, तो इसका मतलब है आपको हाईएस्ट मार्क गेन करने पड़ेंगे तभी आपको एम्स मिलने वाला है। अच्छी बात है, आपको बिना एसेसन रीजन वन मिनट प्लीज, बिना ज़्यादा चौंचले के आपको मिल जा रही है सीट, बट फिर भी हाईएस्ट मार्क गेन करने के लिए गलती कहीं ना हो तो आपको चीज़ें थोड़ा बेहतर तरीके से पता हो तभी आप ऐसा कर पाएंगे। एक बात जानो, जैसे आपके बॉडी में ये जितने जो है ये सब आपके सिलेबस का पोर्शन है, इससे आपको इनसाइट मिलेगी, समझने में आपको अच्छा रहेगा। जितना भी आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी सिस्टम है, डाइजेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन है ना, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम स्केलेटन, सब सब का पर्पज एक होता है, जो कंप्लीट फिजियोलॉजी होती है ना
यहाँ जो फिजियोलॉजी ही होती है, इसका मकसद क्या होता है जानते हो? आपके बॉडी में जो सेल लगी है, ये जो बॉडी की सेल है, कोई भी सेल, इस सेल की लिविंग स्टेट को बनाए रखना, इस सेल के लिविंग स्टेट को बनाए रखना, ये जिंदा रहे। और इसको जिंदा बनाए रखने की बात को हम क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस। एक कॉन्सेप्ट है होमियोस्टेसिस। ये पूरे के पूरे फिजियोलॉजी के चैप्टर में आपको समझना है। होमियोस्टेसिस एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना। होमियोस्टेसिस का, होमियो का मतलब होता है स्टेडी, स्टेसिस का मतलब है स्टेट, स्टेडी का मतलब है फिक्स्ड रेंज, इसका मतलब है एक फिक्स रेंज की स्टेट मेंटेन करना। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जो सेल है तो सेल के, एक सेल में क्या चीजें होती है? एक तो होता है मेम्ब्रेन जो इसकी बाउंड्री बनाता है, दूसरा होता है इसमें साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म एक तरीके का सोलूशन होता है। ठीक है, ये ध्यान। कोई भी सोलूशन क्या होता है? इसमें दो चीज होती है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरे होते हैं सेल्यूट्स। ठीक है, सेल्यूट्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज होती है इसमें। इनऑर्गेनिक का मतलब जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब सॉल्ट मिनरल, ऑर्गेनिक का मतलब बहुत चीजें हैं जैसे विटामिन मिनरल। ठीक है, विटामिन बायो मॉलिक्यूल और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सॉल्वेंट होता है वाटर। तो एक चीज जानो कि जैसे खाने की एक कुजीन होती है ना, जैसे एक करी, कोई भी अगर आप करी खाते हैं, करी का मतलब सिर्फ अंडा करी नहीं होता है, कोई भी जो रसे वाली सब्जी होती है उसको हम करी बोलते हैं, जिसमें ग्रेवी होती है। तो उस कुजीन का पर्टिकुलर टेस्ट को आप ध्यान में रखिए कि वो टेस्टी कब होती है, मतलब उसका जायका कब अच्छा होता है, जब उसमें हर चीज़ एक फिक्स रेंज में है। जैसे मिर्च ज़्यादा हो गई, मिर्च का एक रेंज है ना कि इतने से इतने के बीच में मिर्च रहेगी तभी अच्छा लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा मिर्च झोंक दिए तो सब कुछ मेंटेन हो बेकार हो जाएगा। अगर इसी तरीके से नमक का एक रेंज है वो कितना होना चाहिए, पानी का रेंज है वो कितना होना चाहिए, तेल का रेंज है वो कितना होना चाहिए, मसालों का रेंज है वो कितना होना चाहिए, बिल्कुल सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट। यहाँ देखो, सेल के साइटोप्लाज्म में पानी कितना होना चाहिए वो फिक्स है कि 92% पानी। इसके बाद सॉल्ट कितना होना चाहिए, 1-3%। बायो मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए, 2-3%। ठीक है, ये सब 1%। इस तरीके से हर चीज जो है ना, अब इसमें भी 1-3% इनका हिस्सा आ जाए, जैसे मसालों का हिस्सा टोटल करी में अगर कितना होता है, जैसे आप 2-1 किलो चिकन मटन या कुछ भी पनीर बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो उसमें मसाला कितना डालते हो, तो उसमें मसाला आप मुश्किल से जो है 25-30 ग्राम डालते हो, उतना ही हुआ ना लगभग, कहाँ किलो कहाँ 25-30 ग्राम। 25-30 ग्राम भी क्या, 10-20 ग्राम होता है। अब उसमें भी जो 10-20 ग्राम है उसमें भी 10 तरीके से मसाले, तो ऐसे ही जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसमें भी 200 सॉल्ट, और हर चीज़ एक जैसा नहीं पड़ता है, हर मसाले क्वांटिटी एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ जितना सोडियम होगा उतना पोटेशियम नहीं, उतना कैल्शियम नहीं, उतना मैग्नीशियम नहीं, उतना जिंक कोबाल्ट, इस तरीके से सबकी अलग अलग चीज़ होती है। तो इसका मतलब इनका भी अलग रेंज है, 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 वाटर का अलग रेंज है,
और पूरे सोल्यूशन का अपना खुद एक रेंज है। जब सब कुछ सही रेंज में होता है, कोई एक जब कुजींस को बनाता है तो आप देखिए वो हर चीज़ की क्वांटिटी को पहले अलग अलग मेजर करता है और सबकी क्वांटिटी मिलके एक फाइनल क्वांटिटी को बनाती हैं, और तब आप कहते हो कि हाँ ये बढ़िया चीज़ बना। बिल्कुल लिविंग कंडीशन होमियोस्टेसिस का मीनिंग यही होता है कि हर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सेल यानी कि साइटोप्लाज्म का जो कंपोनेंट है उसका एक फिक्स रेंज होता है। ये सिर्फ इसका केमिकल कंपोजिशन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ केमिकल ही होता है, ये तो केमिकल कंपोजिशन हुआ, ठीक है। इसके अलावा इसके फिजिकल कंपोजिशंस भी होते हैं, जैसे कि इसका टेम्परेचर कितना हो, ये भी फिक्स है, टेम्परेचर का भी रेंज होता है। तो होमियोस्टेसिस जब हम बोलते हैं ना कि होमियोस्टेसिस मेंटेन करना, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करना, इसका केमिकल कंपोजिशन मेंटेन करना, इसमें वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करना, और इसके साथ साथ इसका पीएच मेंटेन करना, इसकी एसिडिटी, वही पीएच ही हो गया, एसिडिटी या बेसिसिटी को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें मेंटेन करना, और इसके साथ साथ इसमें कितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए, कितना एक्सक्रीटरी मटेरियल होना चाहिए, ये भी फिक्स करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यानी जिंदगी ना एक बहुत महीन से डोर से बंधी है। एक्चुअल में लाइफ उतनी रफ चीज़ नहीं है, लाइफ बहुत ही डेलिकेट चीज़ है। जिंदा होने के लिए ना जैसे टेस्ट जायका, किसी भी खाने का जो जायका है वो रफ चीज़ थोड़े है कि कुछ भी झोंकते जाओ और लास्ट में आपको अच्छा बन जाएगा, नहीं, अगर सब कुछ बहुत हिसाब से डाला जाएगा तब अल्टीमेट टेस्ट निकल के आता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हर चीज़ सही रेशियो प्रोपोर्शन और रेंज में मेंटेन रही तब जिंदा कंडीशन बनी रहती है। जैसे आपके बॉडी में सब कुछ हो ऑक्सीजन ही न डाला जाए तो मर जाओगे, सब कुछ हो कैल्शियम ही ख़त्म हो जाए बीमार हो जाओगे, अल्टीमेटली मर जाओगे। मर जाने का मतलब क्या, होमियोस्टेसिस लॉस्ट होना, होमियोस्टेसिस लॉस्ट हो गई इसका मतलब आप मर गए। अब देखो होमियोस्टेसिस का मतलब रेंज है, रेंज का मतलब यहाँ क्या होता है ये भी थोड़ा आपको समझाऊँ। देखो जो मेम्ब्रेन है इससे चीज़ें अंदर आ सकती हैं, चीज़ें बाहर जा सकती हैं, तो लगातार इससे इनफ्लक्स होता है चीज़ों का और आउटफ्लक्स होता है। आउटफ्लक्स जनरली उन चीज़ों का होता है जो एक्सक्रीटरी नेचर के हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी नेचर के हैं, जैसे CO2, जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया और जैसे टॉक्सिक केमिकल, ठीक है, इन सबको लगातार बाहर फेंकना है। इनफ्लक्स में क्या चाहिए, जैसे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, जैसे हार्मोन चाहिए, ठीक है, विटामिन चाहिए, तो ये चीज़ें क्या मिलनी चाहिए एक्सेट्रा, ये चीज़ें लगातार अंदर आए, ये चीज़ें लगातार बाहर जाए। इस बात को थोड़ा ऐसे समझो जैसे ये एक पानी का टैंक है, ठीक है, यहाँ से इसमें इनपुट है और यहाँ से इसमें आउटपुट है, ठीक है, तो लगातार इसमें पानी आ रहा और इससे लगातार जा रहा है। अब अगर पानी का लेवल इतना फिक्स रखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो इनपुट का रेंज है वो आउटपुट के रेंज को क्या करे, बराबर रहे, जितना पानी इसमें आए उतना पानी यहाँ बाहर निकलना चाहिए। अगर नहीं निकला तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, अगर ज़्यादा निकला तो लेवल घट जाएगा। तो इस लेवल को मेंटेन करने का मतलब क्या है, दिख रहा है ना आपको, इस लेवल को मेंटेन करने का मतलब क्या है, ये लेवल जो पानी का मेंटेन करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक होमियोस्टेसिस रेंज को मेंटेन करना। तो होमियोस्टेसिस इन चीज़ों को बोला जाता है कि कैसे आपने रेंज को मेंटेन किया, वो जो रेंज है वही लिविंग कंडीशन है। रेंज को मेंटेन करने में किसका इम्पोर्टेंस है, सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मेम्ब्रेन ही गाइड कर रही है कि वो रेंज में चीज़ें कैसे आएंगी कैसे जाएंगी।
इसीलिए मैंने आपको मेम्ब्रेन का टॉपिक थोड़ा डिटेल में पढ़ाया। मेम्ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, सेल में वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हमें बायोलॉजी नहीं आती, क्योंकि वो बायोलॉजी को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते नहीं। आप सेल के चैप्टर में सिर्फ माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी इनको रटते हैं, वहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेम्ब्रेन वो आना चाहिए, वो आता नहीं आपको, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का इम्प्लीकेशन कैसे आएगा, इसलिए वो समझना ज़रूरी है। तो मेरी बात अब समझ गए? तो जो होमियोस्टेसिस है, जहाँ से हमने इस कहानी को शुरू किया था, होमियोस्टेसिस का मीनिंग क्या हुआ? होमियोस्टेसिस का मीनिंग है कि जो इंडिविजुअल सेल बॉडी में लगी हुई हैं उनकी लिविंग कंडीशन को मेंटेन करना। और ये होता क्या, ये रेंज होता है, एक फिक्स रेंज होती है स्टेडी स्टेट, वो कैसे मेंटेन की जाती है, मेम्ब्रेन में इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स चीज़ों की होती है, तो लगातार इनफ्लक्स आते रहे और आउटफ्लक्स जाते रहे। ऐसा बॉडी में बहुत सारी सेल बहुत जगह लगी है, तो ये फंक्शन हम कैसे कर पाते हैं, तो हमारे बॉडी में इनको मेंटेन करने के लिए डिफरेंट सिस्टम लगे हैं। जैसे इसके लिए भी सिस्टम है, इसके लिए भी सिस्टम है, ठीक है। ये चीज़ें सेल तक आए, सेल तक जाएं, ये कैसे आएंगी जाएंगी, ट्रांसपोर्ट, इसीलिए तो आपको जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट देता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट देता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें इस इनफ्लक्स को, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम देता है, विटामिन डाइजेस्टिव देता है, हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम देता है, और आउटफ्लक्स में जो है जैसे किडनी आपकी है, लीवर आपका है ना, ये सब जो है यहाँ से आउटफ्लक्स करते हैं, और इन सब पे कंट्रोल आपका नर्वस सिस्टम करता है। तो कंप्लीट बायोलॉजी में, सॉरी कंप्लीट फिजियोलॉजी में, जो मेन पर्पज ऑफ फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी किस वजह से की जा रही है, उसका मकसद क्या है, तो आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि उसका मकसद है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना। अल्टीमेटली सब कुछ काम उस सेल के लिए, उस चिड़िया के बच्चे के लिए की जा रही है जो लगातार भूखा रहता है, उसे लगातार चीज़ें मिले। जैसे मैंने इस पानी के टंकी वाला एग्जांपल बताया ना, कि इसे रोक नहीं सकते, जो सेल का साइटोप्लाज्म है ना, वो कॉन्टिन्यूस फ्लक्स की स्टेज में है, उसमें चीज़ें आती रहेंगी, चीज़ें जाती रहेंगी। कोई भी सेल जो है, मैंने आपको पीछे बताया था कि वो सॉलिड मीडियम में नहीं होता, वो होता तो हमेशा लिक्विड मीडियम में, तो उसमें चीज़ें आती रहती हैं, चीज़ें जाती रहती हैं, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो न्यूट्रिएंट भी उसमें से एक चीज़ था, न्यूट्रिएंट की कंटिन्यूटी कैसे बनेगी जब डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेगा। सवाल है वो करेगा ही क्या, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, आके ना वापस वहीं पर जहाँ से हम चले थे, क्योंकि अगर कंटिन्यूस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा तो कंटिन्यूस इसे न्यूट्रिएंट, विटामिन्स और सारे जो चीज़ चाहिए जो हमारे फूड में, वाटर, वो सभी से मिलते रहेंगे। वाटर भी ऐसे ही आता है आपकी